हम आज तुम्हें श्री राधे के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें श्री राधे के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम, जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम। हुए राजा सुचंद्र पत्नी कलावती, तीनों लोक में उनके यश की फैली है कीर्ति। पुण्य दान और यज्ञ हवन वो सदा ही करते थे, भूल से भी किसी प्राणी को वो नहीं सताते थे। समय समय पर करते रहते बड़ा पुण्य और दान, लेकिन अभी तलक ना हुई थी उन्हें कोई संतान। बड़ा घोर तप करके उन्होंने ब्रह्मा जी को मनाया, द्वापर युग में आने का फिर वर है उन्होंने पाया। वृषभानु और कीर्तिदा फिर वो बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम, जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम। वो द्वापर युग में बनकर हैं आए, ब्रह्मा जी के वचन तो इस जन्म में रंग है लाए। एक सरोवर में वृषभानु करने गए स्नान, एक कमल के पुष्प ने खींचा फिर उनका तो ध्यान। कमल पुष्प के ऊपर देखा कन्या लेटी हुई, अद्भुत तेज है उनका जैसे सूरज चांद कई। बड़े प्रेम से वृषभानु ने कन्या को है उठाया, होके अति प्रसन्न फिर उसको सीने से है लगाया। खुशी खुशी अपने घर को वो लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम, जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम। फैल गई कीर्तिदा को बड़ी ही अद्भुत एक कन्या है हुई। जो भी देखे कन्या उनको लगे बड़ी प्यारी, खुशी मनाए मंगल गाए सारे नर नारी। भादो मास की शुक्ल अष्टमी का वो दिन पावन, वृषभानु और कीर्तिदा का हो गया सफल जन्म। कुछ दिन बीते पर कन्या ने आंख नहीं खोली, नहीं हसी ना रोई, मुख से कुछ भी ना बोली।
एक विष भानु चिंता में ही पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे श्याम, जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे श्याम। भानु की इच्छा तो लेकिन रह गई आधी अधूरी, सोचा के ये कन्या तो है अंधी गूंगी बहरी। कीर्तिदा को भी ये चिंता खाए जाती है, अपने मन की व्यथा वो लेकिन किसे बता पाती है। एक दिन उनके द्वार पे खुद ही नारद मुनि आए, भानु की कन्या के वो दर्शन करना चाहे। बोले वृष भानु, हे मुनिवर क्या मैं तुम्हें बताऊं, अंधी गूंगी बहरी का तुम्हें क्या दर्शन करवाऊं। नारद मुनि उन्हें अपने वचनों से समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे श्याम, जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे श्याम। फिकर नहीं, इंतजार करो समय आने पर सब कुछ होगा सही। एक वर्ष की कन्या तुम्हारी होने को आई, जन्म दिवस की करो तैयारी बुलवा के हलवाई। आस पड़ोस के गांवों से भी भिजवा दो न्योता, मर्जी विधाता की है सब कुछ अच्छा ही होता। सोचा वृष भानु ने, बात जो सच हो जाएगी, इससे बढ़कर खुशी हमें फिर कौन सिखाएगी। करके दर्शन नारद जी तो फिर चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे श्याम, जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे श्याम। भानु ने मुनिवर की फिर तो है बात मानी, सोचा झूठ नहीं हो सकती नारद की वाणी। मनाऊंगा मैं जन्म दिवस वो करने लगे तैयारी, रस्में जल्दी जल्दी पूरी करने लगे सारी। घर घर जाकर खुद न्योता वो देकर आए हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा को भी बुलाए हैं। आया जन्म दिवस मेहमान सब घर पे हैं आए, नंद बाबा और यशोदा मैया भी तो हैं आए। साथ यशोदा मैया के श्री कृष्ण भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो
जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम, जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम। कृष्णा मशगूल हुए हैं फिर तो खेलने में, देख राधा लेटी हुई है एक पालने में। खेलते खेलते राधा के वो पास में आए हैं, खोल दिया के राधा ने और नैन मिलाए हैं। हंसने लगी है देख कृष्ण को फिर तो राधा लाली, देखा कीर्ति वृषभानु ने छा गई है खुशहाली। क्योंकि सबसे पहले हरि को देखना चाहती थी, लेकिन वृषभानु को बात ये समझ न आती थी। देख के राधा लाली को सब खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम, जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम। खोली थी क्यों ना अपने मुख से अब तक कुछ भी बोली थी। सबसे पहले श्री कृष्णा को देखना चाहती थी, इस कारण ही अपनी लीला राधा दिखाती थी। लेकिन नारद मुनि ने उनका भेद था जान लिया, ना चिंता करो वृषभानु से इसीलिए तो कहा। अपने श्याम के लिए ही वो तो धरती पे आई थी, नहीं श्याम की बन करके वो तो परछाई थी। साथ समय के दोनों बड़े होने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम, जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम। कृष्णा की फिर तो ऐसी प्रीत हुई, जिसकी मिसाल न आज तलक मिलती है और कोई। एक दूजे के संग हमेशा देखे जाते थे, इनके प्रेम के किस्से सुने सुनाए जाते थे। मित्र सुदामा को ये बातें रास नहीं आई, सोचा राधा प्रेम में सब कुछ भूल गए हैं कन्हाई। फिर तो सुदामा राधा जी को दे दिया ऐसा शाम, श्री कृष्णा को छोड़ के होगा गौलोक में वास। देके श्राप ये लेकिन वो खुद भी पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को हद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम, जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम।
हिस्से में तो सदा जुदाई है। श्राप के कारण बिछुड़े राधा और कन्हाई है। अति दुखी मन से था उन्हें पड़ा अलग होना। उस दिन हुआ उदास सृष्टि का कोना कोना। लेकिन श्री हरि की लीला भक्तों अपरंपार। कैसे कैसे खेल करें ये क्या जाने संसार। क्योंकि पाप मिटाने को वो धरती पे आए। प्रेम और विरह की भी ये लीला रहे दिखाए। फिर तो द्वारिकाधीश श्री कृष्णा बन जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम। जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम। श्री कृष्णा के मन से अलग हुई ना राधा। राधा को तो कान्हा चाहते हैं खुद से ज्यादा। इसीलिए तो कृष्णा से पहले आता राधा नाम। जो जप ले इस नाम को भक्तों मिटते कष्ट तमाम। हंस राज रेलहन को भी श्री राधे नाम है भाया। यस पालन श्री राधे का नाम सदा है गाया। फौजी सुरेश पे इतनी कृपा करना श्री राधे। भटक न जाऊं भक्ति पथ से हो मजबूत इरादे। जिस पे कृपा बनी रहे वो मंजिल पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को सबसे ज्यादा चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो जपने राधा नाम उसे मिल जाएंगे शाम।